तो दोस्तों, मित्रों, साथियों, एक बार पुनः मैं इस चैनल में आप सभी का स्वागत, वंदन और अभिनंदन करता हूं। एक बार फिर मैं आप सभी के समक्ष पवन दीवान की एक खूबसूरत कविता या रचना कह लीजिए, जो कि गुरु वंदना, गुरु की वंदना के बारे में उन्होंने बहुत ही बेहतरीन कविता है उनकी, उसको लेकर मैं आप सभी के समक्ष एक बार पुनः आया हूँ। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पवन दीवान जी जनमानस में उनका कवि रूप अतिशय लोकप्रिय रहा था। पवन दीवान की कविताओं में छत्तीसगढ़ के गौरव और माटी की वंदना है। तो आइए, गुरु वंदना शीर्षक किया उनकी बहुत ही फेमस रचना लेकर मैं आप सभी के समक्ष एक बार पुनः आया हूँ। लीजिए, प्रस्तुत है गुरु वंदना। मैं रोज चढ़ाऊं चरणों में अपने आंसू के फूल, इस दीनहीन अपराधी को गुरुदेव न जाना भूल। मैं रोज चढ़ाऊं चरणों में अपने आंसू के फूल, इस दीनहीन अपराधी को गुरुदेव न जाना भूल। मैं जग की बीती बातों को अक्सर ही भूल नहीं पाता, बढ़ती है नदी की कामना, बहता हूँ भूल नहीं पाता हूँ। मेरी बलखाती नैया को गुरुदेव उस पार लगा देना, मेरे सुनसान मरुस्थल में श्रद्धा के सुमन खिला देना। कभी दुनिया के हलचल में मुझे अभिमान हो जाए तो अपना ही समझ करके गलतियों को भुला देना। भटक जाऊँ अंधेरे में तो मुझे पथ दिखा देना, आत्म ज्योति का दान हमें दो, बच्चों की मुस्कान हमें दो। फिर न कभी कोई इच्छा हो ऐसा ही वरदान हमें दो। तुम्ही से चमक है शीश की, तुम्ही से रोशनी रवि की, तुम्ही से वक्त है चेतना, तुम्ही से प्रेरणा कवि की, तुम्ही शीर्षक है ग्रंथों की, तुम्ही से हर कहानी है, तेरे उपदेश के बदले मेरे आँखों में पानी है, मेरे आँखों में पानी है। बस इतनी साध इस तन की किसी के काम आ जाए, हृदय की इस अयोध्या में चलकर श्री राम आ जाए। बस इतनी साध इस तन की किसी के काम आ जाए, हृदय की इस अयोध्या में चलकर श्री राम आ जाए। ये जग अंबर कांटों का कहीं कुछ फूल खिलते हैं, चमन में फूलते हैं जो उन्हें गुरुदेव मिलते हैं, उन्हें गुरुदेव मिलते हैं। मैं रोज चढ़ाऊँ चरणों में अपने आंसू के फूल, इस दीनहीन अपराधी को गुरुदेव न जाना भूल, गुरुदेव न जाना भूल, गुरुदेव न जाना भूल। तो इस प्रकार से पवन दीवान की एक बेहतरीन रचना गुरु वंदना लेकर आप सभी के समक्ष मैंने उपस्थित हुआ। एक फिर कभी संत कवि पवन दीवान की बेहतरीन रचना के साथ आप सभी के समक्ष उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए मैं संजय तिवारी आप सभी से विदा लेता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। तथा एक निवेदन है कि जिन्होंने अभी तक मेरे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर अपना प्यार और स्नेह मुझे प्रदान करें। धन्यवाद।